नेशनल पन स्टोर में शिवा कूदा आग में धरा को बचाने के लिए। दरअसल देखने को मिलेगा कि धरा ने काफी अच्छा इंतजाम किया होता है दे और ऋषिता की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए, लेकिन तमाशा तो यहाँ पर तब शुरू होगा जब यहाँ पर देव के पास कॉल जाएगा कि घर पर लग चुका है घर पर बहुत बड़ी आग लग चुकी है, वो भी शॉर्ट सर्किट होने की वजह से, और ये शॉर्ट सर्किट किसी और के कमरे में नहीं गोम्बी और धरा के कमरे में हुआ है, जहाँ पर धरा आग में फंसी हुई नजर आएगी। वो देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर शिवा रावि और गोम्बी जल्दी भागते हुए घर पहुँचेंगे, जहाँ पर सुमन बुरी तरह से घबराई हुई है और धरा को बचाने के लिए पड़ोसी को इकट्ठा कर लिया है। और यहाँ पर यही देखने को मिलेगा कि शिवा कुछ नहीं देखेगा और धरा को बचाने के लिए आग में कूद जाएगा और गोम्बी भी उस आग में कूद जाएंगे, और यहाँ पर सभी के सभी शॉक्ड हो जाते हैं। देखने को मिलेगा कि यहाँ पर धरा को ज़्यादा चोट नहीं आती है, लेकिन यहाँ पर अब शिवा और दगों भी बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं धरा को इस तरह से देखकर। तो वही ट्विस्ट तो अब आना बाकी है, जहाँ पर देखने को मिलेगा कि सुमन को जब पता चलेगा कि देव ने जनार्दन के दिवे पेपर्स सुपरमार्केट के एक्सेप्ट कर लिए हैं और वो सुपरमार्केट कहीं और नहीं पाने स्टोर के सामने ही खुलने जा रहा है, जिसके बाद ने यहाँ पर सुमन देव पर भड़कते नजर आएगी और उसको बहुत ही बड़ी कसम देते भी नजर आने वाली है। वो किसी भी कीमत पर घर का बंटवारा नहीं चाहती है, इसीलिए उसने धरा को भी रोक लिया था पार्टी में जाने से, और इसीलिए धरा उसको पेपर्स नहीं दे पाई थी और देव ने एक्सेप्ट कर लिए जनार्दन के पेपर्स, वो भी दुकान के, वो भी ऋषिता की मजबूर करने पर। तो भाई तमाशा तो यहाँ पर काफी अब शुरू होगा, जो कि एक नया तूफान लेकर आएगा देव के सुपर मार्केट ओपन करने की वजह से। तो अब देखते हैं कि अब शिवा इसका मुंह तोड़ जवाब कैसे देता है। तो वहीं क्या धरा अब मना पाएगी देव को वापस घर आने के लिए, या फिर यहां से बंटवारा हो जाएगा पांड्या परिवार का।